नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इन्वेस्टर में। मैं हूं आपका दोस्त मणिदोस माथुर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा मेटालिक के बारे में। कंपनी ने अभी अभी क्वार्टर थ्री का रिजल्ट अभी पेश किया है, तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट के अंदर, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही हैरान कर देने वाला है। क्योंकि देख लीजिए बेसिकली क्या हुआ है रिजल्ट के अंदर। इस क्वार्टर में कंपनी ने बेसिकली ये मिलियंस में डाटा दिया हुआ है, तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ। इस क्वार्टर में कंपनी ने 689 करोड़ जनरेट किए हैं रेवेन्यू ऑपरेशन के थ्रू, जबकि पिछले क्वार्टर में 644 करोड़ जनरेट किए थे रिवेन्यू ऑपरेशन के थ्रू, जबकि पिछले साल 526 करोड़ जनरेट किए थे। तो साल दर साल एक जंप देखने को मिली है, क्वार्टर क्वार्टर भी जंप देखने को मिली है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। चलिए देखते हैं बेसिकली एक्सपेंस क्या कंपनी ने खर्च किया। बेसिकली एक्सपेंस इस क्वार्टर में कंपनी ने 642 करोड़ किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 566 करोड़ किया था और पिछले साल 419 करोड़ किया था। तो देखा जाए तो मतलब रिवेन्यू ज़्यादा हुआ है तो एक्सपेंस भी क्वार्टर ऑफ क्वार्टर कम हुआ है, लेकिन साल दर साल बहुत ज़्यादा हुआ है। तो एक वहाँ से एक रिजल्ट देखने को जो मिलता है ओवरऑल, वो देख लीजिए बेसिकली क्या ओवरऑल बन के आया है इस क्वार्टर का। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, इस क्वार्टर में कंपनी ने खर्च किया है मतलब प्रॉफिट जो बना है 35 करोड़ 65 लाख के आसपास। मतलब 35 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट शो किया है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर में 54 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले साल 75 करोड़ का प्रॉफिट था। यहाँ पे एक सोचने वाली बात आ रही है, यहाँ पे एक डरने वाली बात आ रही है, क्योंकि मैं आपको एक डाटा बता दूँ। जब पिछली बार रिजल्ट आया था कंपनी का, ये जो आप देख रहे हैं 54 करोड़ आया था, इससे पहले कंपनी ने 94 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। जून का जो रिजल्ट आया था उसमें कंपनी ने 94 करोड़ का रिजल्ट पोस्ट किया था। उसके बाद सितंबर के रिजल्ट में कंपनी ने 54 करोड़ का रिजल्ट पोस्ट किया। उस समय शेयर का प्राइस चल रहा था 1150 के आसपास, और रिजल्ट आने के बाद शेयर के प्राइस में एक बहुत ही शानदार डाउनसाइड देखने को मिला, 6% के आसपास का गैप डाउन देखने को मिला था शेयर के अंदर। और उसके बाद शेयर आपको पता ही है 1150 से शेयर 800 रुपये पर आ गया था। अभी एक मोमेंट ऊपर की ओर दिख रही थी, लेकिन मोमेंट मुझे नहीं लगता कि अब फिर से ऊपर जाएगी, क्योंकि कंपनी ने पुअर परफॉर्मेंस दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लियरली आप देख सकते हैं, मतलब कंपनी ने 35 करोड़ का किस हिसाब से प्रॉफिट पोस्ट किया। आपने रिवेन्यू बढ़ाया तो आपने प्रॉफिट क्यों कम दिखाया, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया ना कंपनी के ग्रोथ के लिए। वही हाल यहाँ पे ये भी हुआ है, 54 करोड़ के मुकाबले 35 करोड़, पिछले साल 75 करोड़ किया था, इस साल 35 करोड़, मतलब सीधे आधा से भी कम हो गया है। 50% के आसपास ड्रॉप हुआ है साल दर साल प्रॉफिट में, जो कि एक बहुत अच्छी साइन नहीं है एक टाटा कंपनी के लिए। मुझे लगता है कि इसको मार्केट बहुत ही बुरी तरह से रिएक्ट करेगा ही, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक निगेटिव साइन है मेरे हिसाब से। वही मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि EPS भी देख लीजिए आप, 11 रुपये का था, इस बार 11 का बन गया, पिछली बार 17 का था, अब पिछले साल 24 रुपये का था। तो ये तो एक निगेटिव साइन है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि शेयर इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक बहुत ही बहुत बहुत बेरहमी से ये शेयर गिरेगा। मुझे लग रहा है कि बहुत बेरहमी से गिरेगा। टाटा ग्रुप के शेयर के साथ ऐसे रिजल्ट की उम्मीद आप नहीं रख सकते। मुझे लगता है कि शेयर और गिरेगा यहाँ से, क्योंकि 800 के आसपास शेयर ने सपोर्ट लिया था, तो मुझे लगता है कि उस लेवल के आसपास शेयर जाएगा ही, भले ही आज न कल नहीं जाए, 4-5 दिन 10 दिन में जाएगा ही, क्योंकि अपसाइड अब यहाँ से नहीं जाने वाला शेयर, ये तो लिखा हुआ है अपसाइड नहीं जाने वाला। तो मुझे लगता है कि डाउनसाइड ही जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लोगों को पहुँचे, लोगों तक तो ये वीडियो पहुँचे, उन्हें पता चले कि ये मौका, फिर टाटा के नाम पर आप बाय मत कर लीजिए कुछ भी। ऐसा नहीं, रिजल्ट के ऊपर आप बाय कर रहे हैं तो ये मौका अभी बाय करने का नहीं है, ये मौका होल्ड करने का है, पेशेंस रखने का है, बाय मत कीजिए 800 के लेवल के लिए। ये शेयर मुझे लगता है कि 800 के लेवल तक ये जा सकता है शेयर। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।